क्या बोलेंगे इस इवेंट के बारे में? ये इवेंट तो बवाल वाला चीज़ है एक्चुअली। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बड़ा है। हम लोग तो सीजीआर से काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं और उड़ीसा का हम रिप्रेजेंट करते हैं सीजीआर की तरफ से। लेकिन यही है कि आज का जो टॉपिक था बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसमें बहुत सारा पॉइंट में डिस्कशन हुआ है और हमारा भी काफ़ी अभी बहस हुआ है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी आना चाहिए या नहीं, आने से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो जितना सारा टॉपिक्स यहाँ डिस्कस होता है और यहाँ पर सबसे बड़ी वाली चीज़ है जो कि MOU साइनिंग, ये जो है हमारा इतना सारा इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, कंपनीज आ रहे हैं जिसके साथ हमारा एक MOU साइन होता है, तो उसमें आगे जाके बहुत इसका मुनाफा है। हम लोग लास्ट ईयर भी किए थे और उसमें से काफ़ी बंदे के साथ हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग का स्टूडेंट एक्सचेंज हो रहा है, फैकल्टी एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा जो चीज़ कमी है दूसरा इंस्टीट्यूट में वो अच्छा है तो उसको हम लोग का अवेल करना चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट में जो अच्छी चीज़ है तो दूसरे इंस्टीट्यूट को उसको अवेल करना चाहिए, तब जाके ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं, तो आगे जाके देश का बहुत तरक्की हो सकता है। और ये जब नहीं होगा तो अगले को हमारा पास इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सक रहे तो ये नेशनल लॉस है ना। तो नेशन में कोई अच्छा चीज़ बनाया है, कुछ अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा मशीनरीज है, अच्छा इक्विपमेंट है, अच्छा फैकल्टीज है, अच्छा टीचर्स है, अच्छा ट्रेनर्स है, उनको हर कोई यूज़ करना चाहिए। तो ये जो है ये मिलजुल के हम लोग जो कर रहे हैं इसमें हर कोई का जो स्ट्रेंथ है वो जिसका वीकनेसेस है उसको वो ले सकता है, तब जाके ये भारत आगे बढ़ेगा, महान हो सकता है। और NEP के बारे में, हाँ NEP 2020 में मोदी जी ने और हम लोग का एजुकेशन मिनिस्टर ने जो नई चीज़ सब इनकॉर्पोरेट किए हैं इसको बहुत, इसमें बहुत सारा चीज़ है जो कि आज तक हम लोग समझ नहीं सके। इसको समझना है और इसको किस दिशा में लेना है, किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करना है, इसका बारे में हमको ट्रेनिंग लेना चाहिए। बहुत सारे हम लोग का साथ जो सीनियर्स हैं उनको NEP 2020 के बारे में पता है और वो जो चीज़ समझे हैं। दूसरे हम लोग का जैसा बहुत सारा इंस्टीट्यूट हैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो मैनेजमेंट पीपल हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, ये लोग सही ढंग से अब तक समझा नहीं है, इसीलिए इसका कभी कभी गलत तरीका से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी अच्छा चीज़ है लेकिन हम लोग को आहिस्ता आहिस्ता इसको पकड़ना है, हड़बड़ी से जाने से हम लोग गिर जाएंगे, आगे नहीं निकल सकते। बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि NEP 2020 में द क्वांटिटी इज द क्राइटेरिया, मतलब कितने बंदे निकल रहे हैं। बंदे निकल रहे हैं इसका मतलब है स्टूडेंट्स जो निकल रहे हैं क्वालिफाइड ट्रेंड होके निकलना चाहिए। हम लोग को शॉर्ट टर्म कोर्स जो है ये हम लोग उसको बोलते हैं कि वोकेशनल कोर्सेस, वोकेशनल कोर्सेस जो है वो वोकेशनल कोर्सेस फॉरेन कंट्रीज में था, हम लोग का देश में नहीं था। NEP 2020 इसको प्रमोट कर रही है, छोटे छोटे ट्रेनिंग लेके बंदे अच्छा से कमाना शुरू कर सकते हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है ये बहुत आराम से ख़त्म हो सकता है जब हम इसको लेके आगे सही समझे क्या चीज़ है। तो ये छोटा मोटा जो टेक्नोलॉजिकल कोर्सेस है, ट्रेनिंग है, इसको हम लोग बच्चों को इनक्रेज करना चाहिए, बच्चे उसको सीख लेंगे तो सबको जॉब मिल सकता है। तो उस तरीक़े से हमारा देश में जॉब का कमी होगा और स्टार्टअप करने से और भी खुद हम लोग खूब इक्विप्ड हो जाएंगे। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।